कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के सामने अपना ऑप्टिमल्स का रेंज यूज करके बताऊंगी। हमारे पास स्किन केयर के कितने रेंजेस हैं ये आप जानते हो, मेरे चैनल्स पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। नोवेज कैटेगरी मैंने डाला है और एक ऑप्टिमल्स का कैटेगरी है। ऑप्टिमल्स में हमारे पास इवन आउट की रेंज आती है जो झाइयों पे काम करती है, हाइड्रा की रेंज आती है जो कॉम्बिनेशन स्किन पे और ड्राई स्किन पे काम करती है, एक मैट रेंज आती है जो बहुत ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं, और एक आती है एज रिवाइव जो बड़े एजिंग साइंस के लिए यूज होते हैं और ड्राई स्किन पे काम करती है। तो आज हम बात करेंगे हमारे ऑप्टिमल्स की इवन आउट रेंज के बारे में। मैं आपको इसका एक डेमो भी करके दिखाऊंगी ताकि आप बाकी के रेंजेस यूज इजीली कर पाए। तो हम इसमें क्या क्या यूज करते हैं, क्लेंजर अपने फेस की डीप क्लीनिंग के लिए, देन टोनर ये हमारे पोर्स को टाइट करता है, जो हम इससे ओपन करते हैं वो इससे टाइट करते हैं। अगर हम टाइट नहीं करेंगे तो पोर्स ओपन रह जाएंगे और डस्ट अंदर चली जाएगी और हमारे पोर्स धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं। देन हम लगाते हैं सिरम जो विटामिन ई से बना है, उसके बाद हम लगाते हैं आई क्रीम क्योंकि हमारे आई एरिया को क्लीनिंग हमारे आई क्रीम ही करती है। देन हम लगाते हैं डे क्रीम अपने फेस पे प्रोटेक्शन लेयर देने के लिए, चाहे वो धूप से देनी हो, चाहे घर में है तो धूल मिट्टी है, बाहर निकल रहे हैं, हर चीज का प्रोटेक्शन लेयर ये क्रीम देती है, इसमें एसपीएफ ऑलरेडी ऐड है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने डेमो के बारे में। तो फर्स्टली मैं अपना फेस क्लीन कर लूँगी, ये वेट टिश्यू से कर रही हूँ, बट आप नॉर्मली अपने घर पे हो तो सुबह नहाते समय आप फेस पे पानी लगाइए, बस और कुछ नहीं करना आपको। ये देखिए मैंने सिर्फ इसे गीला किया है। देन अब मैं ये क्लेंजर ले रही हूँ, इसको ओपन कर लिया मैंने और बस इतना लेना है आपको, और अपने फिंगर से आपको इसको अच्छा खुले पानी से आपको इसको वॉश करना है रात मॉर्निंग में नहाते समय, आपके पास पानी बहुत अच्छा मात्रा में होता है उस वक्त। और आपको आई एरिया को अवॉइड करना, एक मिनट की मसाज। वॉशरूम पे हो या बाथरूम में हो, आपको बहुत अच्छे से इसको वॉश ऑफ करना है पानी से। खुले पानी से बहुत अच्छे से आपको इसको वॉश ऑफ करना है। ये देखिए कितना क्लीन फेस हो गया है, सुबह ऑलरेडी मैंने फेस क्लीन किया हुआ था। हम लेंगे टोनर, ये देखिए, और ये कॉटन, कॉटन पे हमें सिर्फ इसको 2 ड्रॉप लेनी है बस, और हम इसको ऐसे अपने फेस पे लगाएंगे जो हमने अपने पोर्स ओपन किए हैं। जो आपके फेस पे पानी की मात्रा से क्लोरीन आता है ये उसकी ट्रेसेस को भी रिमूव करता है, आपके पोर्स को टाइट भी करता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है ये उसको भी कंट्रोल करता है। अब हम लगाएंगे सिरम, ये देखिए सिर्फ इतना लेना है आपको सिरम। जब आप सिरम लगाएंगे तब आप देखना कितना सॉफ्ट और कितना स्मूथ आपका फेस हो जाएगा।
हम लगाएंगे आई क्रीम, ये हमें रिंग फिंगर पे लेनी है, बस इतना काफी है। और दोनों रिंग फिंगर पे हम इसको ऐसे लेंगे और अपने आई एरिया में ऐसे लगाएंगे हाफ सर्कल। ये सर्कुलेट ऊपर अपने आप होगी, बस आपको हाफ सर्कल लगाना है, वो भी रिंग फिंगर से, इसका ध्यान देना है आपको। देन अब हम लगाएंगे डे क्रीम, वो भी आपको ये देखिए बस इतनी लेनी है, ये देखिए। और इसको मैंने ऐसे 5 टिप में लगाया और अपने चिक्स पे ऐसे मसाज करते हुए देख पा रहे मेरा फेस कितना क्लीन और कितना अच्छा ग्लोइंग हो गया बिल्कुल। अब यही स्टेप आपको रात को फॉलो करने हैं, क्लेंजर, टोनर, सीरम, आई क्रीम और नाइट क्रीम। रात में नाइट क्रीम जरूर अप्लाई करनी है, बिकॉज नाइट क्रीम आपके जो सेल्स पूरे दिन के थक जाते हैं और झड़के टूटने लगते हैं, सूख जाते हैं, वो रात को रीजनरेट हो जाते हैं आई क्रीम लगाने से। अगर आप 20+ हो तो आपको आई क्रीम लगानी बहुत जरूरी है, तो नाइट क्रीम, क्योंकि वो आपकी स्किन को रीजनरेट करेगी। ये पूरा कंप्लीट पैकेज अभी मैंने आपको डे में यूज करके दिखाया, वही आपको रात को करना है। ये डेली का स्किन का डाइट है, अगर आप इसको रेगुलर करोगे तो आपको फेशियल्स की नीड नहीं लगेगी और आपके फेस की पिगमेंटेशन और आप डिले कर पाओगे, अपनी एजिंग साइंस को डिले कर पाओगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब। अगर आपको ऐसे ही और रेंजेस के बारे में जानना है, उन्हें कैसे यूज करना है, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं कि आपको वहाँ पे हर रेंज का वीडियो सेपरेटली मिल जाएगा। यूसेज आपको आज हमने बता दिया, फिर भी कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। और ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।